जी भाई, कैनवस किसी ने सुना है नाम? नहीं सुना, नहीं सुना नाम? नहीं नहीं ऐसे बताएं आप, रियल लाइफ में बताएं, छोड़ देंगे। नहीं पता? किसी ने पेंटिंग करते हुए किसी को देखा है? पेंटिंग देखी है जिस पर बनी होती है ना, उसको कैनवस बोलते हैं। सही है? स्क्वायर कुछ भी हो, वो पेंटिंग जिस पे कर रहा है ना, उसको वो कैनवस बोलता है। ठीक है, तो हमारे पास भी एक कैनवस होता है, ठीक है, HTML के अंदर। तो अगर आपको कोई 2D ड्राइंग्स बनानी हो, 2D ड्राइंग्स क्या होती है, कभी देखी आपने? मैप वगैरह देखा है कभी आपने, वो जो लाइंस के थ्रू बनाते हैं हम? या घर बनाते हैं तो हम डिफाइन कर देते हैं, यहाँ रूम होगा इतने इंच, इतने इतने इंच का होगा, ये हाइट होगी, ये सब कुछ होगा। तो इस तरह की चीज़ें बनानी है आपने, तो 2D ड्राइंग्स के लिए आप कैनवस को यूज़ करते हो। सही है? सिंपल कैनवस, ज़्यादा हम इसके डीप में नहीं जाएंगे। ये पूरी अपनी एक वो है, ठीक है, एक प्रोजेक्ट आया था मेरे पास, हमने किया था काम उस पर। तो हमें जो है ना, वो एक डेटा मिलता था, उस डेटा को हमने HTML के कैनवस पर रेंडर करवा के ना मैप बनाना होता था, तो वहाँ पे हमारी ये काम आया था। ठीक है, अगर आपने कोई ड्राइंग्स वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ें बनानी होती हैं तब ये काम आता है। ठीक है, फिर इसके अंदर थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट भी इन्वॉल्व हो जाती है, इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, बस इसको गो थ्रू हम इसी तरह कर रहे हैं, हम डीप में नहीं जाएंगे, तो ये पूरा एक अलग से टॉपिक है। अच्छा, HTML की SVGs के बारे में हमने पढ़ा था, कोई बताएगा SVG क्या होता है? क्या होता है? बस बताए भाई कोई, ये इमेज तो नहीं है। SVG क्या होता है? SVG जो है ना, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक है। मतलब ज्यादातर जो SVG पे चीजें होती है ना, वो सॉलिड कलर्स में होती है। तो सॉलिड कलर्स मैंने आपको बताया था क्या होता है। सॉलिड कलर्स कौन से होते हैं भाई? एक शेड वाले। अगर एक जगह पे एक ड्राइंग में, जिस तरह ये हमारे पास है, तो अगर येलो कलर है तो इसका शेड सबका एक ही है या अलग अलग है? मल्टीपल शेड्स तो नहीं है। तो ज्यादातर SVGs जो है ना, वो इसी के अंदर होती है। सही है? तो SVG क्या है, कहीं भी आप डिजाइनिंग करेंगे, कोई वेब डिजाइन करेंगे, कुछ भी करेंगे, ठीक है, जो डिजाइनर होगा ना, जिसने प्रोटोटाइप बनाया होगा, वो आपको SVGs प्रोवाइड करेगा। सही? तो वो SVG होती तो इमेज है, आइकन्स है, ठीक है, लेकिन उसके पीछे कोड होता है। अगर आप कोड में चेंज करें तो SVG की शेप में भी चेंज आता है। सही है? तो बस आप क्या करते हो, फिर आप ये कोड उठाते हो जो वो आपको देता है, और उठा के आप उसको यूज कर लेते हो। सही? कोई इसके अंदर वो नहीं होता। अगर आप यहाँ से चेंज करना भी चाहोगे ना, तो सारी शेप खराब हो जाएगी। ये कोड जो है ना, ऑटो जनरेटेड होता है। डिफरेंट हमारे पास है ना, फिग्मा है। फिग्मा एक सॉफ्टवेयर है जिसमें क्या बनता है, प्रोटोटाइप बनता है, मोबाइल एप्स, वेब का, जो भी आपने करना है, जो भी आपने सॉफ्टवेयर बनाना है, उसका क्या बनता है, प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या होता है भाई? हाँ, डिजाइन। प्रोटोटाइप क्या होता है कि अगर मुझे ये मोबाइल डिजाइन करना है, तो मैं ना पहले इसका डिजाइन बनाऊंगा। मैं पेपर पे बना सकता हूँ, ठीक है, मैं स्केच भी बना सकता हूँ पहले इसका, ठीक है, कि कहाँ पे बटन होगा, कहाँ पे स्पीकर होगा, कहाँ पे कैमरा होगा, वो सारी चीजें पहले डिफाइन हो जाती है। ठीक है, कलर्स कौन से होंगे, इसके राउंड एजेस होंगे या शार्प एजेस होंगे। सही है? ये सब चीजें दो आपके आने से पहले, आपके पास आने से पहले ही डिजाइन हो जाएगा ये। ठीक है, अभी जो आप ये कोर्स करेंगे, आप जो भी करेंगे, ये दो स्टेजेस ऊपर की बात है। सही है? क्लाइंट और जो डिजाइनर होता है, जो UX स्ट्रेटजिस्ट बोलते हैं उसको, ठीक है, वो वहाँ जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज लेते हैं, ठीक है, फिर उनसे पूछते हैं, सब कुछ पूछते हैं, कि कौन से जेंडर यूज करेगा, क्या एज होगी उनकी, सब चीजें पूछते हैं, किस किस कंट्रीज में ज्यादा यूज होगा, वो हर चीजों को सोच के डिजाइन करते हैं। सही है? तो फिर वो डिजाइन आपको बना बनाया मिलता है, उसके ऊपर आप डिजाइनिंग करते हैं HTML में, CSS में, या फिर JavaScript में। ठीक है, तो उसको देख के आप लोग डिजाइन करते हैं। तो उसमें SVGs, वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली बना देते हैं, बस आपको वो डिजाइनर प्रोवाइड कर देता है कि ये SVG आप ले लो, लगा लो।
ठीक है, आपका काम नहीं है एसवीजी बनाना, सही। अगर फिर भी किसी को शौक है तो फिर चला जाए इलस्ट्रेटर यूज करें, वहाँ पे एसवीजीज बनाए और एक्सपोर्ट करें और वो सारा काम, ठीक है। हमारा काम क्या है, एसवीजी मिलेगी हम लगा देंगे, सही। तो ये डिफरेंट डिफरेंट देखो ये शेप्स हैं जो हम बना सकते हैं। अगर हम इसको देखें तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के थ्रू इसकी विड्थ और हाइट बना के और स्टाइलिंग भी दी हुई है, स्ट्रोक विड्थ वगैरह, ओपेसिटी वगैरह, ये सारी चीजें दी हुई है, ठीक है। तो आप इसको कुछ भी चेंज करोगे ना तो ऑब्वियसली जो है ना इसके अंदर चेंज हमें नजर आएगा, सही। कलर्स भी यहीं से दिए हुए हमारे पास, इसकी हाइट कम कर दोगे कम हो जाएगी, ठीक है। एक्स 50 है तो आप इसको 100 कर दो, ये आगे मूव हो जाएगा क्योंकि हमने पोजीशन भी इसकी बताई हुई है, सही। ग्रेडियंट वगैरह आप दे सकते हो, ठीक है। ये आप लोग की स्टडी के ऊपर, अगर आपने करना है आप स्टडी करें और इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। हम इसमें डीप में नहीं जाना चाह रहे। फिर हमारे पास है HTML मीडिया। मीडिया क्या होता है भाई, मीडिया और बस, मीडिया क्या होता है, मीडिया इन्हें सुना है नाम, हाँ मीडिया, और वो किस चीज को प्ले करता है, मीडिया प्लेयर वीडियोस को, और वीएलसी प्लेयर यूज किया सबने, उसमें हम क्या क्या प्ले कर सकते हैं, ऑडियो, ऑडियो और वीडियो, तो ये दोनों मीडिया हो जाएंगे, सही है। और एक और भी होता है मीडिया, होता है या नहीं होता, बस ये दो ही होता है। इमेजेस भी मीडिया होती है, नहीं होती है या नहीं होती, बोल सकते हैं। इमेजेस अगर सिंगल होगी तो नहीं होगी ना, आप कंबाइन करके एक वीडियो बना दो तो फिर बन जाएगी, सही है। तो अगर आपने कोई वीडियो शो करवानी है अपनी वेबसाइट पे, कोई ऑडियो शो करवानी है, तो आपको यहाँ पे कुछ टैग्स हैं वो यूज करने पड़ेंगे, सही। तो सबसे पहले है हमारे पास ये HTML मीडिया होता है क्या, ठीक है। मल्टीमीडिया इज ऑन द वेब इज साउंड म्यूजिक वीडियोज मूवीज एंड एनिमेशन। तो एनिमेशन कैसे बनती है आपको पता है ना, मल्टीपल इमेजेस को कंबाइन करके एनिमेशन बनती है, सही है। और मूवीज वीडियोज म्यूजिक या फिर साउंड। व्हाट इज मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया कम्स इन मेनी डिफरेंट फॉर्मेट्स, इट कैन बी ऑलमोस्ट एनीथिंग यू कैन हेयर और सी, लाइक इमेजेस, म्यूजिक, साउंड, वीडियोस, रिकॉर्ड्स, फिल्म, एनिमेशन एंड मोर। वेब पेजेस ऑफन कंटेन मल्टीमीडिया एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड फॉर्मेट्स, ठीक है। तो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट होती है, हर वेबसाइट पे आपने देखा होगा वीडियो कहीं ना कहीं आ रही होती है, ऑडियो भी, ऑडियो तो ज्यादातर नहीं होती लेकिन वीडियो जरूर होती है, सही है, या फिर इमेजेस। द फर्स्ट वेब ब्राउजर हैड सपोर्ट फॉर टेक्स्ट ओनली, लिमिटेड टू अ सिंगल फॉन्ट इन अ सिंगल कलर। ये कह रहे थे जो सबसे पहला ब्राउजर था ना, वेब ब्राउजर किसको कहते हैं भाई, ब्राउजर किसको कहते हैं, क्रोम, ओपेरा, फायरफॉक्स, ये ब्राउजर्स होते हैं, इंटरनेट ब्राउजर्स, इनके थ्रू ही हम इंटरनेट यूज कर सकते हैं ना, या कोई और भी तरीका नहीं है ना। तो जो कह रहा है कि जब फर्स्ट ब्राउजर आया था उसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट को सपोर्ट किया जाता था, टेक्स्ट का क्या मतलब है ये, और इसमें भी सिंगल फॉर्मेट और सिंगल कलर और सिंगल फॉन्ट, मतलब एक जैसा फॉन्ट होता था पूरी वेबसाइट में और एक ही कलर, सही। अभी तो अगर आप ऊपर से यहाँ नीचे आओ ना तो ये देखो इस वाले में अलग फॉन्ट है, यहाँ अलग फॉन्ट है, यहाँ अलग फॉन्ट है, बहुत सारे फॉन्ट्स हम यूज करते हैं एक वेबसाइट के अंदर, ठीक है। बाद में हमारे पास ब्राउजर्स आए जो कि कलर, फॉन्ट्स, इमेजेस और मल्टीमीडिया को सपोर्ट करते थे। मल्टीमीडिया फॉर्मेट्स क्या होते हैं, हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं और ये आपके रियल लाइफ में आपके पास होते हैं, सही है। जिस तरह आपके पास है एक्सटेंशंस लाइक MP3, ये मोस्ट फेमस है, MP4 हो गया, MP3 आपको पता है ऑडियो के लिए होता है, और MP4 वीडियो के लिए, MPG हो गया, ये WMV हो गया या AVI हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स है। कॉमन वीडियो फॉर्मेट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, ये सारे आ रहे हैं, ठीक है।
अच्छा एक नोट में बता रहे हैं कि MP4 WebM और OGG videos are supported by the HTML standard. HTML का जो स्टैंडर्ड वाला हमारे पास प्लेयर है ना, उसमें ये तीन तीन या चार जो है ना, ये यही सपोर्टेड है. ठीक है, हम जब आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेंगे ना, आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाओगे तो जो बड़ी वेबसाइट होती है वो अपने प्लेयर खुद ही बना लेती है, HTML के ऊपर अपना प्लेयर बना लेती है. ठीक है, तो वो डिफरेंट फॉर्मेट्स को भी सपोर्ट करवाती है. सही, इस तरह एक बहुत बड़ा प्लेयर है, JW प्लेयर नाम है उसका. सही है, वो बहुत सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट न्यूज की वेबसाइट यूज करती है उनको. सही है, उनका पूरा एक अलग से कोड है जो भी है, लेकिन जो मेन बेसिक है ना वो HTML के ये टैग ही होता है. सही है, क्योंकि ब्राउजर को HTML का टैग समझ आता है. सही है, आप उसके ऊपर कुछ भी बना लें. सही है, लेकिन इन दी एंड ब्राउजर की एक जुबान है, ब्राउजर को एक कोड समझ आता है, ब्राउजर को आपको वही कोड दिखाना पड़ेगा. सही, ऊपर आप फैंसी करके कुछ भी कर लें, ठीक है, कुछ मीडिया प्लेयर को नाम JW प्लेयर दे दें, कुछ भी अपना नाम दे दें, लेकिन इन दी एंड जो ब्राउजर है वो क्या सपोर्ट करता है, जो उसका अपना कोड है. सही, कुछ ऑडियो फॉर्मेट है हमारे पास, MIDI, रियल ऑडियो, ACC, वेव, MP3, ये सारे हमारे पास है. सही, तो ये कुछ फॉर्मेट्स थे हमारे पास. फिर देखो ये वीडियो चल रही है जो कि हमारे कोड के थ्रू चल रही है. सही, इसके अंदर हमने क्या किया है, हमने एक वीडियो का टैग लगाया. सही, और हमने दो सोर्सेज दिए. ठीक है, अगर ये नहीं चलेगा तो ये चल जाएगा. ठीक है, ये दो सोर्सेज है हमारे पास, अगर हमें चलाने हैं तो हमें ये दोनों ये जो वीडियोज है इनको अपने पास रखना पड़ेगा, या फिर कोई भी वीडियो जो कि MP4 या फिर OGG फॉर्मेट में हो तो वो आप कर सकते हो. अगर मैं इसको ही डाउनलोड कर लूं तो ये हमारे पास MP4 हो गई है. ठीक है, चलिए एक वीडियो हमारे पास आ गई है आज की क्लास में, वो उसको ऐड करते हैं. अच्छा, हम VS कोड यूज करते हैं. ठीक है, कोई भी फोल्डर अगर आपने ओपन करना है जो हमारा कोडिंग एडिटर है, तो आपको पता है क्या करना होता है, फोल्डर में आते हैं हम और यहाँ से सब कुछ रिमूव करके CMD करेंगे. ठीक है, और कोड स्पेस डॉट कर देंगे. ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास कोड ओपन हो जाएगा और हमारा फोल्डर भी यहाँ पे ओपन हो जाएगा. सही, अब हमें न्यू फाइल बनानी है, हम इस पर क्लिक करेंगे और हमने ये index.html रखनी है, इसी तरह नाम रखना है index.html. आप इंटर करोगे ये आ जाएगा, HTML लिखो या आपके पास दूसरा ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दो, ये आपके पास एक बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा. HTML मीडिया पढ़ रहे हम. सही है, हमने वीडियो डाउनलोड कर लिए, वीडियो को हम पिक करेंगे यहाँ से और अपने फोल्डर में ले आएंगे. यहाँ पे एक फोल्डर बना लें न्यू और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें. ठीक है, कोड में हमारे पास क्या है, वीडियो का टैग है और अंदर क्या है, सोर्स है. ठीक है, वीडियो का टैग हो गया और अंदर क्या हो गया हमारे पास, यहां हमने सोर्स नहीं देनी, हम इधर देंगे सोर्स. कौन सा, इसी फोल्डर में जो हमने ओपन किया जी, ये कॉपी पेस्ट. ये हमारे फोल्डर्स है ना,
यहाँ पे आया, मैंने एक फोल्डर बनाया वीडियो के नाम से और इसके अंदर लाके पेस्ट कर दिया। ऑब्वियसली जब यहाँ खुला हुआ है तो यहाँ भी आ रहा होगा, सही। जी अच्छा, सोर्स में आपने सोर्स देनी है और टाइप भी बतानी है, ठीक है। अभी जो आपके पास टाइप है वो कौन सी है, डॉट एचटीएमएल, क्या है भाई? अभी हमने कौन सी वीडियो डाउनलोड की है? तो सोर्स में आपने बताना है कि आपकी वीडियो किधर पड़ी हुई है, ठीक है। आप डॉट स्लैश करोगे तो आपके सामने लिस्ट आ जाएगी, आप वीडियोस में जाओ और इस पर क्लिक कर दो। सोर्स में आपके पास क्या हो जाएगा, वीडियो आ जाएगी और उसके बाद हमें क्या बताना है, टाइप वीडियो स्लैश क्या मतलब, हाँ नहीं चलाएगा ये बताना जरूरी। अच्छा आप देखते हैं इसको रन करके, नहीं चल रही, करते हैं। यहां पे हमारे पास क्या है, कंट्रोल्स है, ठीक है। तो अगर आप कंट्रोल नहीं दोगे तो जो कंट्रोल्स हैं, कंट्रोल्स में क्या होता है, प्ले पॉज, साउंड बड़ा करना है या वीडियो को जो है ना वो मैक्सिमाइज करना है, वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। ऑटो प्ले से चल तो जाएगी, फिर वो कंट्रोल्स नजर आएंगे ना, ठीक है। यहाँ पे आपके पास अब कंट्रोल्स आ गए सारे, तो वीडियो तो पहले स्टॉप ही होगी अगर ऑटो प्ले नहीं किया होगा, तो अब आप इसको प्ले करके या पॉज करके कर सकते हो, ठीक है। हाँ मैं आपको वही बताना चाह रहा था कि देखो ये HTML के स्टैंडर्ड चीज है, अगर वो पिक्सल चेंज होता है तो YouTube का अपना प्लेयर है, वो इसको उठा के इसके बेस के ऊपर उन्होंने पूरा अपना प्लेयर बनाया, अपनी फंक्शनैलिटीज दी है, तो JavaScript पे फिर वो आप चीजें चेंज कर सकते हो ना। हाँ अपना बनाया ना उन्होंने, सही है। फिर आप उसकी वीडियो को हाइट और विड्थ भी दे सकते हो, ठीक है। जितनी आप विड्थ दोगे ये उसी तरह इंक्रीज करेगा, यहां से भी आप दे सकते हो चेक करने के लिए, सही। विड्थ और हाइट, ठीक है, इस तरीके से इसकी विड्थ और हाइट बढ़ सकती है। कंट्रोल का जो एट्रीब्यूट था वो क्या करता है, वो इसने यहां लिखा हुआ है कि प्ले पॉज या फिर वॉल्यूम के बटन्स को शो करता है, सही। अच्छा भाई फिर हमारे पास है ऑटो प्ले, अगर आप ऑटो प्ले लगा देते हो तो क्या होता है, जैसी वीडियो लोड होती है तो वो खुद ही प्ले करने लग जाती है, सही है। फिर कंट्रोल्स की जरूरत नहीं होती, लेकिन उसको ना पॉज कर सकते हो ना उसका साउंड चेंज कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये रिफ्रेश किया है खुद ही चलने लग जाएगी, क्या हो गया। चलना तो चाहिए इसको यार, अगर आप ऑटो प्ले देंगे तो उसको चलना चाहिए। सही है, सही है। अब कंट्रोल के साथ भी, लेकिन ये एक दफा ही चलती है। आगे 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 आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं नीचे, ठीक है।
ऑटो प्ले का क्या मतलब है भाई? जैसी पेज लोड होगा सारी वीडियो चलने लगेंगी। अगर आपने ऑटो प्ले लगाया हुआ है तो सब चलने लग जाएंगी। अगर आपकी वीडियो में पेज के ऊपर 5 से 6 वीडियोज हैं तो सब चलेंगी। सही, हमारे पास ये वाले इश्यूज आते रहते हैं हमारे प्रोजेक्ट में ना, क्योंकि उधर वीडियोज बहुत ज़्यादा हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि वो सारी चलने लग जाती है। अच्छा, बाकी आपके पास म्यूटेड भी है तो म्यूटेड का क्या होगा? ऑटो प्ले होगा और म्यूटेड होगा, आवाज नहीं आएगी। सही है जी। और यहाँ पे एक नोट भी दिया हुआ है और ये सही नोट है कि ऑटो प्ले क्रोमियम ब्राउजर जो है ना, कुछ ब्राउजर्स हैं जो कि ऑटो प्ले को सपोर्ट नहीं करते, तो अगर आप ऑटो प्ले लगा भी दोगे तो वो हाउएवर म्यूटेड ऑटो प्ले इज ऑलवेज अलाउड। अगर आपने म्यूटेड भी लगाया तो तब तो मसला नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने म्यूटेड नहीं लगाया ऑटो प्ले किया तो अगर 6 वीडियोज एक साथ चलेंगी तो अलग अलग साउंड आएगा। पहले तो यूजर डर जाएगा कि ये सारी वीडियोज क्यों चल रही हैं, ठीक है, फिर दोबारा आपकी वेबसाइट पर कभी आएगा भी नहीं वो। तो अगर आपने ऑटो प्ले लगाना भी है, ऑटो प्ले ज़्यादातर इससे भी लगाते ना कि वीडियो में ऐड आते, वो खुद ही चल रही होंगी तो ऐड तक पहुँच जाएगा बंदा, देखे ना देखे ऐड तो चलेगा, वो ऐड चलने के भी उनको पैसे मिल जाते हैं, तो ऑटो प्ले लगा के वो म्यूट कर देते हैं। सही है, तो ये डिपेंड करता है कि उनका क्या सिनेरियो है। अगर उनको ऐड चलाना ही नहीं है उस पर और वो खुद से वीडियो दिखाना चाह रहे हैं तो वो अलग बात है। सही है, ये मीडिया टाइप्स बताई हुई है जो कि हमने अभी ये यूज की, MP4, OGG और वेब MP। ठीक है। अच्छा, कुछ ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू है, ठीक है, तो आप इधर आ जाओ इसको। ये कुछ जावास्क्रिप्ट लिखी है, कुछ इस तरीके से होती है जावास्क्रिप्ट। तो इसके ना प्लेयर्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज और भी हैं, लेकिन वो आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू गेट करके ना इसके बहुत सारे और फंक्शन हैं, तो वो आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैनिपुलेट कर सकते हो चीज़ें। सही है, जिस तरह देखो अब इसके अपने कंट्रोल्स नहीं है हमारे पास, अब ये किसके थ्रू हो रहा है? जावास्क्रिप्ट के थ्रू बिग स्मॉल नॉर्मल हो रहा है, प्ले पॉज हो रहा है, ये इसके अपने कंट्रोल्स नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम प्लेयर को गेट करके ना उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर रहे हैं। सही है, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है, बस ये देख लें कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी सारा काम हो सकता है। तो अगर आपने अपना प्लेयर बनाना है तो वो इसी तरीके से ही बनेगा, प्लेयर की प्रॉपर्टीज गेट करोगे और उसमें कुछ एक्स्ट्रा डाल के चीज़ें कर सकते हो आप। सही है, तो जितने भी प्लेयर होंगे ना वो उसी के ऊपर इसी तरह बने हुए होंगे। सही है। फिर हमारे पास है ऑडियो, ऑडियो प्लेयर भी हमारे पास कुछ इस तरह नजर आएगा आपको। अच्छा, ये ऑडियो प्लेयर है, कुछ इस तरीके से दिखता है, इसमें कुछ ऑप्शंस भी होते हैं हमारे पास, प्लेबैक स्पीड को आप नॉर्मल या कम कर सकते हो, ठीक है, और बस इस तरह है। अगर ये साउंड डाउनलोड करना है तो भाई कैसे करेंगे? सेव ऑडियो एस OGV फाइल, OGV फाइल तो नहीं चलेगी, ठीक है, सिंपल है, जिस तरह हमने वीडियो लगाया उसी तरीके से आप ऑडियो भी लगा सकते हैं। यहाँ अगर आप MP3 कोई कुछ डाउनलोड करना चाहें, कोई सॉन्ग हो, कोई भी आपके PC में पड़ा हो तो आप लगा सकते हैं। सही है, तो अगर किसी के दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है तो सॉन्ग वाली कोई वेबसाइट बनाना है, गुना मिलेगा आप लोगों को, जितनी दफ़ा सॉन्ग चलेगा ना आपके जो गुना है ना वो बढ़ते जाएंगे। वो होते हैं ना MP3 वाली जो वेबसाइट हैं, आपको क्या लगता है कि जो सारे डाउनलोड कर रहे हैं सुन रहे हैं तो उनको कितना फ़ायदा हो रहा होगा जिनकी वेबसाइट है, मतलब गुना इजाफा हो रहा होगा ना उनका, तो काइंडली ऐसी कुछ मत सोचिएगा आप। सही है, नॉर्मल साउंड्स के लिए अगर एजुकेशनल पर्पस के लिए कुछ आप लगाना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। सही है, भाई सही बात बताइए ना, सारे मुसलमान है ना, तो बस जी क्या करके यहाँ स्कैम कौन कर रहा है? मैं तो इधर की बात कर रहा हूँ, एजुकेशन हो रहा है तो अब हम क्या कर सकते हैं। सही है, हम क्या कर सकते हैं?
हम आपको थोड़ा अच्छा पढ़ा सकते हैं बस, ताकि आपको लगे कि स्कैम नहीं हो रहा, बस सही है। यार कुछ गाने ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो लिखा हुआ है वो मतलब शिर्क में चला जाता है ना, तो फिर वो सुनेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सवाब मिलेगा, क्या मिलेगा? कुछ बोल ऐसे होते हैं जो कि नाजेबा होते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, सवाब मिलेगा। बच्चे सुनेंगे, बच्चे रिपीट करेंगे, बड़े हो जाएंगे, वो फिर क्या होगा, एक साइकिल चल जाएगी ना, या नहीं चलेगी बताओ? फिर भी अगर करना है तो मसला नहीं है। अच्छा भाई, इसके अंदर भी हमारे पास ऑटो प्ले होता है और म्यूटेड भी होता है, सही है, सारी वही वाली चीजें होती हैं जो हमारे पास यहाँ पर है। अच्छा, ये ज्यादातर सपोर्टेड नहीं होता हमारे पास, तो हम इसको देखेंगे भी नहीं, सही है, यूट्यूब को हम देखते हैं। अच्छा, यूट्यूब से भी हम कुछ वीडियोज उठा के अपनी वेबसाइट में लगा सकते हैं, सही है, पूरी पूरी प्लेलिस्ट भी हम चला सकते हैं, तो हम इसमें देखते हैं, ठीक है। द इजिएस्ट वे टू प्ले वीडियोज इन HTML इज टू यूज यूट्यूब। स्ट्रगलिंग विद वीडियो फॉर्मेट्स, कन्वर्टिंग वीडियोज टू डिफरेंट फॉर्मेट्स कैन बी डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग। तो अगर आपको कोई वेबसाइट, अपनी वेबसाइट पे वीडियो लगानी भी है ना, तो लोग क्या करते हैं, वो अपनी वीडियो वहाँ अपलोड करते हैं चैनल बना के, और वहाँ से लिंक ला के अपनी वेबसाइट में लगा लेते हैं। सिंपल, आपको ना कन्वर्ट करनी पड़ती है, ना प्लेयर को सारी चीज़ें मेंटेन करनी होती है, प्लेयर भी अच्छा मिल जाता है आपको, तो ये सारे ज़्यादातर लोग यही करते हैं, सही है। लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ था, मतलब अभी भी यूट्यूब जो है ना बंद हो गई थी, पाकिस्तान में बैन लग गया था, सही है। तो फिर जिस जिसने अपनी वेबसाइट पर लगाया था, सारी वीडियोज चलना बंद हो गई थी, ठीक है। तो ये नुकसान भी होता है, क्योंकि आप तो फ्री में उठा रहे हो, तो आप अगर वो बंद भी कर देते हैं तो आप तो कुछ नहीं कर सकते, तो कभी कभार ऐसा होता है, लेकिन ज़्यादातर YouTube तो अब काफ़ी स्ट्रांग हो गई है, तो वो बंद होती नहीं है, ठीक है। अच्छा भाई, अगर कोई आप YouTube ओपन करो यहाँ से, अच्छा ये जिस तरह वीडियो है आपके पास, ये हमारे पास ऊपर एक आईडी आ रही होती है वीडियो की, ठीक है, ये वाली, सही है। अगर आप इसको हटा भी दो तो जो ये आईडी आ रही होती है, इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, हम देखते हैं क्या हो रहा है। ये कह रहा है YouTube will display an ID like this when you save or play a video। जब भी आप वीडियो प्ले करते हो तो YouTube जो है ना ऊपर यहाँ पे एक ID डिस्प्ले करता है, उस ID को आपने क्या करना है, हम आगे देखते हैं। Playing a YouTube video in HTML। सबसे पहले अगर आपकी अपनी वीडियो है तो आप अपलोड कर दोगे जाके, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, उस वीडियो की जो ID होगी उसको आप कॉपी कर लो अपने पास। फिर आप एक टैग होता है, उसको हम कहते हैं आई फ्रेम। आई फ्रेम क्या होता है भाई, इसको पता है? देखिए, आई फ्रेम जो है एक टैग होता है, उस टैग के थ्रू आप अपनी वेबसाइट पे किसी और वेबसाइट को शो करवा सकते हो, कोई भी वेबसाइट शो करवा सकते हो, वेबसाइट का कोई भी एक स्पेसिफिक पार्ट शो करवा सकते हो आप, ठीक है। ज्यादातर ऐसा होता है कि कुछ हमारी जिस तरह ये वेबसाइट है, इसके अंदर भी आई फ्रेम्स यूज होते हैं, सही है। और किस जगह होते हैं मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन इसके अंदर हम आई फ्रेम्स यूज करते हैं, सही। तो होता ही है कि आपने एक दफा चीज बनाई, कोई वो चल रही है, सही, किसी वेबसाइट पे वो चल रही है, आप चाहते हो कि मैं किसी और वेबसाइट पे भी दिखाऊं, तो आप दोबारा बनाने से अच्छा है, या फिर उसका कोड अपनी वेबसाइट में डालने से अच्छा है कि आप बस आई फ्रेम लगाओ, उस आई फ्रेम को आप डिफाइन कर दो, फॉर एग्जाम्पल 500x500, आपकी वेबसाइट में 500x500 की जगह पे किसी और वेबसाइट का व्यू आ रहा होगा, सही है। या अगर कोई रूम है ना, एग्जाम्पल लेना चाहो तो, अगर रूम के अंदर कोई विंडो है, कोई रोशनदान है, कोई विंडो है, तो विंडो जो है ना, विंडो से आप बाहर जो चीज देख रहे हो तो वो एक आई फ्रेम है, ठीक है, कि वो आप एक रूम में रह के दूसरी जगह की जो है ना चीज उससे देख रहे हो आप, तो आप इस तरह भी याद रख सकते हो, सही है। एक खिड़की है, उसके थ्रू आप दूसरी चीजें देख सकते हो, सही। तो अगर आप वो अपनी वेबसाइट में लगाओगे तो उसके थ्रू आप कोई और वेबसाइट ओपन कर सकते हो,
कोई मैप दिखा सकते हो, कोई वीडियो दिखा सकते हो, कुछ भी दिखा सकते हो, ठीक है? SEO? नहीं, वो लिंक्स होते हैं, लेकिन ये आप एक्चुअली वेबसाइट दिखाएंगे ना, वेबसाइट का टुकड़ा दिखाएंगे, कोई वीडियो दिखाएंगे, वो कहीं और पड़ा होगा लेकिन आपकी वेबसाइट पे शो हो रहा होगा। अच्छा, ये इसका सिंपल सा कोड है, एक आई फ्रेम है विद हाइट DVA और सोर्स के अंदर आपने क्या दिया हुआ है, जो ये यूट्यूब की वीडियो है उसका लिंक है, सही है? पूरा लिंक भी उठा सकते हो, वरना ये चीज तो क्या होगी, सेम रहेगी, और यहाँ पे IDs चेंज करते हो तो दूसरी दूसरी वीडियो आती रहेंगी। वहां प्ले करो तो देखो ये सारी चीजें आपको अवेलेबल है, ठीक है? क्या है भाई, ठीक है, कोई सवाल? जी भाई, रिस्ट्रिक्शन होती है ना, अगर YouTube आपको एक ऑप्शन दे रहा है तो वो किसी वजह से दे रहा होगा ना, उसको कुछ ना कुछ फायदा हो रहा होगा। अब आप YouTube का नाम हटा दोगे तो फिर YouTube को क्या फायदा होगा, सही है? उसमें आप एडिटिंग कर सकते हो, CSS के थ्रू ओवरले कर लो, कुछ कर लो, लेकिन जब आप दिखाई YouTube कर रहे हो तो क्लाइंट क्यों बोलेगा कि इसको हटाओ, क्लाइंट पागल है फिर। हाँ, ऑब्वियसली जब वेबसाइट बंद हो गई तो वो यहाँ पे भी नहीं दिखेगी, सही, क्योंकि उसका कोड हमारे पास नहीं है, हम सिर्फ उसका बस डिस्प्ले करवा रहे हैं वहाँ पे, सही है? जरूरी नहीं है, लेकिन यूट्यूब का वो एक वो आपको देता भी है ना आई फ्रेम का, अभी हम आगे जाके देखेंगे, वो एक कोड पूरा बना के भी देता है कि ये कोड है उठा के लगा लो, सही? इस तरह ज्यादातर जो वीडियोस की वेबसाइट है वो देती है, अगर नहीं तो फिर आप यहाँ पे सोर्स दे दें, कोई वेबसाइट का दे दें यार, यही दे दें, देखते ही चलेगा या नहीं, कोई वेबसाइट अलाउ भी नहीं करती हमारे पास, ठीक है, हम देखते ही चलेगा या नहीं। रिफ्यूज टू कनेक्ट, मतलब ये अलाउ नहीं करना चाह रहा, ठीक है? हाँ ना, ये अलाउ नहीं करते ना, ठीक है, YouTube अलाउ करता है तो वो दिखा रहा है, ठीक है, उनके पास कंट्रोल होता है कि अगर आई फ्रेम में कुछ दिख रहा है तो उसको अलाउ नहीं करवाओ वहां से, सही है? अगर ये हो जाएगा तो फिर तो सब वो एडिटर का वो लगा के ना अपनी अपनी वेबसाइट बना के जो है ना वो चीजें यूज करना शुरू कर देंगे, ठीक है? YouTube पब्लिक है तो पब्लिक वीडियोस तो आप देख भी सकते हो, कहीं दिखा भी दो, हर जगह YouTube को ही फायदा है, जब ऐड चलेगा ना आपकी वेबसाइट पे चल रहा है, ऐड तो YouTube का ही चल रहा है तो उसको फायदा होगा ही होगा, सही है? अच्छा, YouTube में भी आप ऑटो प्ले और म्यूट कर सकते हो, अगर आप एंड में ये क्यूरी डाल दो तो वो म्यूट भी हो जाएगा और ऑटो प्ले भी हो जाएगा, जो सोर्स का टैग है ना हमारे पास, एंड में डाल दो, सही, आईडी के बाद ये डाल दो, क्या हो गया, अच्छा रिफ्रेश हो गया, ये इधर नहीं चलेगा क्योंकि ये रिफ्रेश मांगते हैं, जब रिफ्रेश होगा ये भी अब चल जाएगा, सही है? ये चल रहा है लेकिन म्यूटेड है, ऑटो प्ले हुआ हुआ है, सही? तो आप इसको जिस तरह हम वहां पे ऑप्शन वीडियो पे उस पर दे रहे थे ना, अब हम इसको इधर पास करेंगे, जब जैसी ये पास होता है ना, भी YouTube का काम है उसको चेक करना और वहां से उसको म्यूट करना, ठीक है? अच्छा, आप वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट भी दे सकते हो, सही है? कैसे, आप यहां गए, सबसे पहले ये पूरी एक प्लेलिस्ट है आपके पास, यहां पर ये ऑप्शन आ रहा है ना, इसका मतलब है ये पूरी एक प्लेलिस्ट है, अभी यहाँ पर एक ही है वरना यहाँ पे पूरी लिस्ट आ रही होती, सही? प्लेलिस्ट को कैसे कॉपी करेंगे, ऐसे करेंगे, यहाँ पर देखें किसी भी चैनल पे आप जाते हैं,
फॉर एग्जाम्पल ये पूरी प्लेलिस्ट है, इसको हम इस तरह कॉपी कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए यहां से, ये यहां पर रखेंगे और इसके बाद वाली आईडी यहां पे रखेंगे। ठीक है, रन करके देखते हैं। क्यों भाई, चले देख लेते हैं इसको कैसे हो। ठीक है, अच्छा ये प्लेलिस्ट है हमारे पास, सेटिंग्स में अच्छा ये जो प्लेलिस्ट है इसकी वीडियो पे आ रहे हैं हमने, और यहां से करना है कॉपी इमेज कोड। ठीक है, इस कोड को देखते हैं ये क्या कर रहा है, ये पूरा हमें कोड बना के दे रहा है। सही है, क्या कोड दिया इसने, सोर्स में इसने ये बना के दिया है और ये टाइटल है और ये सारी चीजें। सही है, फ्रेम का बॉर्डर, रेफर पॉलिसी, अलाउ फुल स्क्रीन, ये सारी चीजें उसने बना के दी है। तो इधर आ जाते हैं, ये हमारे पास प्ले हो जाएगी। कैसे करना है, अगर प्ले लिस्ट करना है तो आओ वीडियो पे जाओ और कॉपी इमेज कोड कर दो। सही है जी, ये पूरा कॉपी हो जाएगा, बस यहाँ पे लाके आपने क्या करना है, पेस्ट। सही, और इधर आ जाना। ये देखो ये पूरी प्लेलिस्ट आएगी आपके पास। सही, अगर आप किसी प्लेलिस्ट पे नहीं जाना चाह रहे तो एक वीडियो आपने करनी है तो मे भी यहां से कोई ऑप्शन आ रहा हो। आप सिंगल वीडियो तो चला सकते हो ना, सिंगल वीडियो के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, जो कि यहां पे दिया हुआ है। सिंगल वीडियो को आपने चलाना है तो सिंपल यहां आओ, बस आईडी पेस्ट कर दो। अगर प्लेलिस्ट करनी है तो फिर वो प्लेलिस्ट को ओपन करो और राइट क्लिक करके कॉपी इमेज कोड कर दो। ठीक है, और बस पेस्ट कर दो तो आपके पास ये वीडियो चल जाएगी। सही, अच्छा यूट्यूब के लूप है, लूप क्या करता है, अगर लूप बंद दे देते हो आप तो क्या करेगा भाई, वो चलाता रहेगा। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट चलाएगा। जब आप सॉन्ग सुनते हो ना तो यूट्यूब के जो सॉन्ग है, अगर आपने वो बना के प्लेलिस्ट रखी हुई है या आपने लोकल भी किसी प्लेयर में रखी हुई है तो लूप लगाते हो तो वो बार बार चलता रहता है ना, तो ये भी वही लूप है। ठीक है, लूप वन कर दोगे तो क्या होगा, और डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, जीरो, मतलब एक दफा प्लेलिस्ट चलेगी और बंद हो जाएगा। सही, अगर वन लगा दोगे तो क्या होगा, चलती रहेगी। ठीक है, कोड में नहीं लिख रहा, आपको पता है कोड यहाँ पे है तो आप यहाँ से बस देख सकते हो जाके। फिर आपके पास क्या है, YouTube के कंट्रोल्स अगर आपने नहीं दिखाने तो आप कंट्रोल्स इक्वल्स टू क्या कर दो, जीरो कर दो। सही, नीचे जो कंट्रोल्स हैं वो नहीं आएंगे, लेकिन इसके जो कंट्रोल्स हैं वो क्लिक करके भी होता है ना, प्ले और पॉज, तो ये वाला रहेगा। सही है, नीचे वाले कंट्रोल्स गायब हो जाएंगे। अगर यहाँ पे वन दे दोगे तो क्या होगा, क्या होगा, ये कंट्रोल्स आ जाएंगे, जीरो दोगे तो नहीं आएंगे। सही,
नहीं बच सकते। अगर पब्लिक है तो फिर आई गेस दे सकते हो, और वो अलाउ कर रहे हैं तो इसका मतलब वो तो W3 पब्लिक थी ना, क्यों नहीं अलाउ किया उसमें आई फ्रेम को? हाँ कहाँ है भाई? अच्छा हम कहाँ हैं अभी? यहाँ पर हैं। इस शेयर इसको लिंक को कॉपी करें। अच्छा जहाँ पर भी आप हैं, फॉर एग्जांपल आपको ये कोई बिरयानी है बंस रोड पे या लाइट हाउस मार्केट है, यही तो आ रही है, यही है ना? BMJ तो है ही नहीं यहाँ पे। ये रहा ठीक है। ये शेयर करते हैं, आप इसको कॉपी करें। ये आपको क्या कह रहे हैं कि आप कॉपी करें, चले हम देखते हैं। और आप जस्ट चाहें सोर्स के अंदर और इसको यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं या फिर आप एम्बेड भी कर सकते हैं। एम्बेड का तो ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये रहा सही है, ये रहा। मीडियम भी कर सकते हैं, लार्ज भी कर सकते हैं, ठीक है। कस्टम शायद आप यहाँ से भी बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी वेबसाइट में जगह जितनी है आप यहाँ से सेट करके ले जाओ, ठीक है। कॉपी HTML करो और उसके बाद यहाँ नीचे आके इसको बस पेस्ट करो, ठीक है। तो ये तो सोर्स है पूरा, और ये आपकी विद है, हाइट है, स्टाइलिंग दे दी कुछ, और ये इसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज है। तो ये अब आपकी वेबसाइट पे मैप भी आ जाएगा, सही है। देखा है ना हमने वो कॉन्टेक्ट अस के नीचे मैप दिया होता उन्होंने, ठीक है। या तो आप परचेज करते हो मैप के लिए की, ठीक है, आप फिर जावास्क्रिप्ट के थ्रू इम्बेड करते हो उसको, वो अलग चीज़ है। ये आप क्या दिखा रहे हो, ये आई फ्रेम दिखा रहे हो, सही है। वो अलग होता है क्योंकि उसके अंदर आप चीज़ें चेंज भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, मैप के अंदर बहुत सारे काम कर सकते हो, ठीक है। कैसे करेंगे एक दफा दोबारा देख लें। फॉर एग्जाम्पल ये हॉस्पिटल जो है ना वो आपको शेयर करना है, सही है। तो आप शेयर पे क्लिक करोगे, इम्बेड कोड, बस इसको कॉपी कर लो। अगर आपने साइज चेंज वगैरह करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, लार्ज करना है, कस्टम करना है, ठीक है, ठीक है। बस कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, ये चल जाएगा, सही। तो दो ये वीडियोस भी चला सकते हो और ये सारा मैप भी दिखा सकते हो, सही। और कोई सिनेरियो है आपके जहन में? है तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, उसको लगाइएगा, सही है। अब आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लें।